छत्तीसगढ़ के घोर नक्सल प्रभावित इलाके में हुई नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में हमारे 24 से ज्यादा जवान शहीद हो गए, तो वहीं 21 जवान लापता बताए जा रहे हैं और 30 जवानों को गंभीर रूप में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने 15 नक्सलियों को ढेर कर दिया, जिसमें एक महिला नक्सली भी शामिल थी। बता दें कि ये घटना नक्सलियों को घेरने के लिए चलाए जा रहे अभियान के दौरान हुई थी। आपको बता दें कि नक्सलियों को घेरने के लिए चलाया जा रहा यह अभियान काफी बड़ा अभियान था, जिसमें 2000 जवान शामिल थे। इस ऑपरेशन को 2 अप्रैल की रात को लॉन्च किया गया था। इस पूरे मामले पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुख जताया और कहा कि जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने भी सभी शहीद जवानों को नमन किया और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। छत्तीसगढ़ के घोर नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले में शनिवार को सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के बाद आज यानी रविवार को 17 और शव बरामद हुए हैं। शनिवार को बस्तर इलाके में नक्सलियों के साथ एनकाउंटर के बाद से 21 जवान लापता हैं। मगर आज सर्च ऑपरेशन के दौरान मुठभेड़ स्थल से सुरक्षा कर्मियों के 17 और शव मिले हैं। इस तरह से नक्सली हमले में कुल 24 से ज्यादा जवान अब शहीद हो चुके हैं। बता दें कि कल ही 5 जवान शहीद हो गए थे और करीब 30 घायल जवानों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। इस भीषण मुठभेड़ में सुरक्षा बलों के जवानों ने नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। इस मुठभेड़ में अब तक 15 नक्सलियों के मारे जाने की खबर मिली है, इनमें एक महिला नक्सली भी शामिल है। ये एनकाउंटर बीजापुर के तरेम थाना क्षेत्र के टेकुलगुड़ा गाँव के पास के जंगलों में हुई है। दरअसल सुरक्षा बलों को सूचना मिली थी कि गाँव में भारी तादाद में नक्सलियों को देखा गया है, जिसके बाद नक्सलियों के गढ़ कहे जाने वाले दक्षिण बस्तर में ऑपरेशन के लिए DRD, STF, CRPF और कोबरा बटालियन के जवानों की एक संयुक्त टीम बनाकर छापेमारी शुरू की गई। इसी दौरान जंगलों में घात लगाकर बैठे नक्सलियों ने जवानों को देखते ही अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इसमें कई जवान घायल हो गए। इन जवानों को एयरलिफ्ट करके इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। बस्तर मंडल के पुलिस अधीक्षक लोचन कश्यप ने इस एनकाउंटर की पुष्टि की है। उनके अनुसार ये मुठभेड़ झीरम हमले के मास्टरमाइंड नक्सली हिडमा के गांव में हुई है। झीरम में सुरक्षा बलों पर हमला करने वाले नक्सली हिडमा की टीम के सदस्य थे। बता दें कि सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम के जवानों को 2 अप्रैल की रात को मौके पर भेजा गया था। सुरक्षा बलों की ये टीम जैसे ही शनिवार दोपहर 12 बजे के करीब सुकमा बीजापुर बॉर्डर के पास के जंगलों से गुजर रही थी, तभी घात लगाकर बैठे नक्सलियों ने हमला बोल दिया। सुरक्षा बलों के जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की और दोनों तरफ से करीब 4 से 5 घंटे लगातार फायरिंग होती रही, जो शाम के 5 बजे जाकर रुकी। हालांकि इस दौरान सुरक्षा बल के 5 जवान शहीद हो चुके थे और दर्जनों घायल हो चुके थे। वहीं मौके पर सर्च ऑपरेशन के दौरान एक महिला समेत 15 नक्सलियों के शव और उनके हथियार भी बरामद हुए हैं। आपको बता दें कि सुरक्षा बलों के सपोर्ट के लिए एक्स्ट्रा फोर्स भेजी गई है। पूरे इलाके में अब सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस खबर में बस इतना ही। नक्सलियों से जुड़ी सभी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए बने रहिए सिर्फ सच के साथ। नमस्कार।